गोपी बहू, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? देखो इसे, देखो सुंदर छे ने? अच्छी है। क्या हुआ मिसेस मोदी, आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या? मैं ये वाला रख रही हूँ। दिखाइए जरा कौन सा पीस है। हाँ चलिए अच्छा है, वैसे भी ये मेरे कलेक्शन का सबसे महंगा पीस है। राशि मुझे जरा दिखाओ कैसा है ये, मैं भी तो देखूं कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि ये सबसे महंगा है। दिखाओ मुझे। हाँ से भी आजकल तो ये त्योहारों के कपड़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। दिखाओ राशि। अरे वाह कोकिला, आते जो, कितनी सुंदर साड़ी है। जरा यहाँ ना, मैं देखना चाहती हूँ तुम पर कैसी लगेगी। अच्छा आऊ छू। अरे वाह, ये कलर तुम पर कितना खिल रहा है, सचमुच बहुत सुंदर लग रही है साड़ी तुम पर। वो मैं इसे रख रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसकी आपको पूरी प्राइस देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन आप पैसे बिल्कुल कम नहीं करेंगे। सॉरी मैम, कीमत तो हमारे यहाँ बिल्कुल फिक्स्ड होगी। मोटा भाभी तो ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। हाँ सचमुच बहुत सुंदर साड़ी। गोपी वाओ आइए आओ, तुमने कुछ पसंद किया या फिर असमंजस में पड़ी हुई हो? देख मुझे ये बहुत पसंद है, तुम देखो। पसंद आया? अच्छा है तो तुम इसे रख लो। तेजस भाई, हमने जो कुछ भी खरीदा है उन सारी चीजों की कीमतें जोड़कर मुझे बता दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल। वो मैं इसे खरीदूंगी नहीं, बस मुझे भाड़े पे लेना है। भाड़े पे? आप इसे खरीद ही लीजिए ना। नहीं ये बहुत महंगा है, वैसे 15,000 भाड़ा बोला था ना। जी राशि, जब तुम्हें ये ही लेना है तो भाड़े पर क्यों ले रही हो? इसमें थोड़े पैसे जोड़कर इसे खरीद ही लो, वैसे मेरी सलाह मान लो, इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत है, कुछ और ही खरीद लो। वो मम्मी जी, वो क्या है, इसे देखते ही ये मुझे भाग गया था, तो मुझे अब भी यही पहनना है प्लीज। ठीक है राशि, तुम्हारा इतना दिल है तो रख लो। लाइ बिल बन गया हो तो दे दीजिए, मैं अभी पैसे लेकर आई हूँ। आऊँ जो मैं आती हूँ। राशि बेन, वो अपने भाड़े पे क्यों लिया, खरीदा क्यों नहीं? नहीं वो मुझे सरप्राइज देना था। राशि बेन
मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम है। ये लीजिए आपका पेमेंट। थैंक यू। थैंक यू। और आज तो मैं बाल बाल बच गई। फांसी का फंदा तो मेरे गले में पड़ ही गया था, बस उस चल्ला तागड़ी की रस्सी खींचने की देर थी। भगवान, लेकिन अभी भी असली काम करना तो बाकी है। कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे ये फांसी का फंदा गोपी के गले में डालना है। लेकिन कैसे? राशि बिना आप कुछ काम था? क्यों, मैं अपने बहन को मिलने ऐसे ही नहीं आ सकती? अरे नहीं राशिबेन, मेरा वो मतलब नहीं था। आप आइए, आइए। वो मैं तुझे कुछ देना चाहती थी। क्या राशिबेन? ये तेरे लिए नवरात्रि का तोहफा है। लेकिन राशि बेन, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपने अपने लिए पसंद किया है, ये देवर जी का तोहफा है ना आपके लिए। वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि ये चनिया चोली मैंने तेरे लिए लाई। पकड़। देख गोपी, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुझे पहले बता दूंगी तो तू लेने से इनकार कर देगी, इसीलिए मैं तुझे अब दे रही हूँ। तो अब इसे पकड़ और पहन। राशि बेन देखिए, मैं नहीं ले सकती, अच्छा नहीं लगता। आप इसे रख लीजिए। क्यों? देख, बड़े छोटों को तोहफा दे सकता है, उनको गिफ्ट देने का हक है, समझी? और वैसे भी ये तेरा नवरात्रि का तोहफा है, इसे वापस भी तो करना है। अब रख, चल। पर राशि बेन। बार बार कुछ नहीं, चुप। तू ये चाहती है कि तेरे देवर जी और तेरी बहन नाराज हो जाए, तो सोच क्या रही है? चल जल्दी मुझे पहन के बता, मुझे देखना है कि तू इसमें कैसे लगेगी। अभी? हाँ तो चल जा ना, पकड़। अरे ये रंग तुझ पे कितना खिल रहा है, तू बहुत बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद राशि बेन। आजा यहाँ। गोपी संभाल के, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ राशि बेन, वो मेरा दुपट्टा। ओ गॉड, गोपी तू ये देख, तूने क्या किया? क्या हुआ राशि बेन?
ये देख तेरी चुन्नी फट गई। लेकिन ये फटा कैसे? अब मुझे क्या पता कैसे फट गई, पहना तो तूने है ना, तू जाने। और वैसे भी तूने देखा ना ये चनिया चोली, मैंने तेरे सामने ही वो पैकेट से निकाली, मुझे क्या पता। गोपी गोपी ये देख, इस खील में अटक के वो तेरी चुन्नी फट गई है। अरे हाँ, अब हम क्या करेंगे? तुझे पता है ये चनिया चोली कितने रुपयों की है? 50,000 की। ली तो हमने भाड़े पे ही थी, लेकिन अब तो हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे इसके। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे एक बात का पक्का यकीन है, काकी जी मुझे जरूर मार डालेंगी। लेकिन इतने पैसे तो हम कहीं से भी नहीं ला पाएंगे। सब मैं नहीं जानती। हे भगवान, मैं जब भी तेरे लिए कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, हमेशा हमेशा तू मुझे ही मुसीबत में डाल देती है। हे भगवान, और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। अब हम क्या करें राशिबेन? गोपी कुछ सोच। राशिबेन, आप इसे छुपाने के लिए मैं इस पे कढ़ाई कर दूं तो ये जो फटा हुआ है ना, ये ढक जाएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं, और इसे करते ही हम डिजाइनर को वापस दे देंगे। लेकिन राशिबेन, ये तो बेईमानी होगी ना। तू चुप कर, देख इस वक्त अपनी साधुवाणी ना अपने पास रख। वैसे भी ऐसे मौकों पे वो ईमानदारी बेईमानी इन सारी बातों के बारे में नहीं सोचना होता है।